इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है कि आप किसी भी चीज़ को आसान तरीके से याद कैसे रख सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ पहले से याद है और कुछ समय बाद आप उसे भूल जाते हैं, एग्ज़ाम में लिखते समय भूल जाते हैं या इंटरव्यू में जाते समय भूल जाते हैं, तो किस तरह से उन चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए याद रखें। और तीसरा पॉइंट इसमें यह है, जब आप कोई चीज़ याद कर रहे होते हैं या अपने दिमाग में कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे होते हैं, तो किन कैसे स्टोर होती है वो चीज़ें और किन चीज़ों को हमारा माइंड जल्दी स्टोर कर लेता है और लंबे समय के लिए स्टोर कर लेता है, और कौन से वह तरीके हैं जिनसे याद करने से हमें टाइम लगता है अपने माइंड में स्टोर करने के लिए कोई भी चीज़, और कम समय के लिए ही याद रह पाती है वो चीज़ें। अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें कोई भी चीज़ याद करनी है तो किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली हम किस तरह से याद करते हैं, हम बेसिकली याद करते हैं नोट्स बना के, उन्हें पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं और हम रट लेते हैं, उसे कहते हैं बेसिकली याद करना, जो हम नॉर्मली करते हैं, सभी लोग करते हैं। उससे क्या होता है, आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको लगेगा मेरा सारा सिलेबस कम्प्लीट हो गया है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके सामने जब एग्ज़ाम आप देंगे तो आपको उसमें से 50% ही याद रह जाता है। क्यों होता है ऐसा, किस कारण होता है, वह इस वीडियो में बताएंगे, और साथ में यह भी बताएंगे कि किस तरीके से आप याद करें कि वह कम समय में याद हो जाए और लंबे समय तक याद रहे। तो वह तरीका यह है, आप जब किसी कंटेंट को याद करें तो कंटेंट को पढ़ते पढ़ते उसकी एक स्केच बनाएं, उसका कोई रफ स्केच बनाएं या उसकी कोई टेबल बनाएं या कोई चार्ट बनाएं, उसके माध्यम से उसको समझते चलें, साथ ही साथ उसको पढ़ें, साथ ही साथ समझते चलें उस चार्ट के माध्यम से। तो इस तरह से आप अगर याद करते हैं तो आपको कम समय में वो चीज़ याद हो जाएगी और लंबे समय तक याद रहेगी। मैं आपसे बोलूँ कॉफ़ी तो आपको क्या याद आएगा, COFFEE आएगा, या प्लेट में रखी हुई कॉफ़ी का कप याद आएगा, या प्लेट में रखी कप में कॉफ़ी याद आएगी। जैसी बात है, आपको जो प्लेट में कॉफ़ी का कप रखा है वो याद आएगा, COFFEE नहीं आएगा। तो इससे क्या पता चलता है, हमारे दिमाग को स्टोर करने में क्या जो है आसान होता है, वो होती है इमेज, जो मैं बता रहा हूँ आप चार्ट के थ्रू या किसी रफ स्केच के थ्रू बना सकते हैं अपने जो आपको कंटेंट याद करना है उसकी। तो आपको कंटेंट इतना याद नहीं रहता है जितनी आपको जो है स्केच या फोटो, आप जो भी कहें वो कह सकते हैं, वो याद रहती हैं। सेम वीडियो का प्रभाव होता है, वीडियो का प्रभाव स्केच से थोड़ा और ऊंची लेवल का होता है। मान लीजिए आपको कंटेंट से याद रहता है एक दिन के लिए, और आपको जो है इमेज से याद रहता है 5 दिन के लिए, और आप वीडियो देखते हैं तो उससे याद रहेगा आपको 10 दिन के लिए। ये ऊपर के लेवल हैं। तो आप इस तरह से कोई भी चीज़ याद कर सकते हैं। आप सबसे पहले क्या करें, कंटेंट अपना है उसे पढ़ें पहले, और साथ में उसकी स्केच बनाएं, समझें, उसको याद करें। फिर इसका जो मेन पॉइंट है और जो लास्ट तरीका है वह है, उस चीज़ को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप उसे लोगों को सिखाने की कोशिश करें, लोगों को बताएं, समझाएं। उससे क्या होगा, जब आप कोई चीज़ आपको याद हो जाती है, याद करना सीख गया आप लॉन्ग टर्म के लिए, अब उसे और लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह से याद कर सकते हैं, वह तरीका है, जब आप उस आपने कोई चीज़ याद कर ली, अब उसे आप जब किसी और को समझाएंगे वो चीज़, तो वह आपको और अच्छी तरह से याद हो जाएगी। ऐसा कैसे होता है, जब आप उस चीज़ को किसी को समझाएंगे तो पहली बात तो यह है कि आप उसे पहले खुद अच्छी तरह से समझ लेंगे। जब आप उसे अच्छी तरह से सीख लेते हैं तभी किसी को समझाते हैं। तो जब आप किसी को समझाएंगे उस टाइम आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ उससे रिलेटेड आएंगे, कई सारे क्वेश्चन आएंगे जिनके आप आंसर भी निकालेंगे। तो इस तरह से उसके बारे में हमने गहराई से सोच रहे हैं, उसके बारे में हम गहराई से सोच रहे हैं तो वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है, उसका उस पर हमारा पूरा फोकस है इसलिए, और उसकी इमेज भी हमारे साथ है, साथ साथ हम उसे इमेज के साथ सीख रहे हैं, याद रख रहे हैं, तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती हैं वो चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि हमारा माइंड किस तरह से किसी भी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, किसको जल्दी स्टोर करता है लॉन्ग टर्म के लिए करता है, किसको बहुत टाइम में करता है और कम समय के लिए करता है। तो इसे हम उदाहरण के साथ जानते हैं। मान लीजिए आप कहीं मूवी देखने जा रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं, तो क्या होता है, जब आप मूवी देख रहे होते हैं तो आपका पूरा फोकस मूवी पर रहता है, साइड में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं है, इधर क्या चल रहा है कुछ पता नहीं होता, पूरा फोकस मूवी पर होता है, और साथ ही दिमाग में ये चीज इमेजिन कर रहे होते हैं कि आगे क्या सीन आने वाला है। होता है नहीं होता है ऐसा, जरूर होता है, और हमारा इंटरेस्ट भी उसमें होता है। देखो, दो चीज़ें होनी चाहिए, पहला तो फोकस होना चाहिए उस चीज़ पे जो आप याद कर रहे हैं,
पूरा पूरा ध्यान वहीं केंद्रित होना चाहिए आपका, और साथ में आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए उस चीज़ में। जब आपने देखा होगा, जब आप कोई मैथ का सवाल कर रहे हैं, अगर आपको आता है तो आपको इंटरेस्ट आता है, जैसे कोई सवाल नहीं आया तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। सेम वही होता है अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, तो गेम में आप पबजी खेलते हो या कुछ भी खेलते हो, तो आप जब देखते हैं जब कोई पबजी खेल रहा है तो उसकी पूरा फोकस जो है स्क्रीन पर होता है, फ़ोन की पर, कहाँ से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, साइड में क्या चल रहा है ना कोई पता नहीं होता, कौन मम्मी खिला रही है, पापा खिला रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता, वो पबजी में व्यस्त रहते हैं। और उनका इंटरेस्ट भी होता है, दोनों चीज़ें इसमें भी होती हैं, इंटरेस्ट भी होता है उन्हें पबजी खेलना अच्छा लगता है, तभी तो खेलते हो, इसलिए उनका ध्यान भी केंद्रित होता है। तो ये दो चीज़ें याद रखें, अगर आप ये दो चीज़ें अपनी पढ़ाई में भी लागू करते हैं, आप किसी भी काम में करें, पढ़ाई में ही नहीं, पढ़ाई में भी करते हैं, तो आपको 99% चांस हैं आप अच्छी तरह से उस जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे 90% याद रखेंगे, 99% याद रखेंगे, और लंबे समय तक याद रहेगा वो चीज़ आपको, अगर आप उसे इंटरेस्ट के साथ और पूरे फोकस के साथ चार्ट बना के उसका कंटेंट का कोई भी या टेबल बना के याद करते हैं, तो आपको वो लंबे समय तक याद रहती है। और एक ये बोनस पॉइंट होता है आपका जो मैंने आपको बताया था, अगर आप उसे किसी और को समझाते हैं पढ़ने के बाद या समझने के बाद किसी और को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो और अच्छी तरीके से याद रहता है और लंबे समय तक याद रहता है। तो आज की वीडियो में यही था, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अब आपको इस वीडियो से कोई भी जानकारी मिली है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।